माय गॉड कितना गर्मी हो रहा है। किस्मत लाता मेरे यार। ये है होटल, दिख रहा नहीं दिख रहा। सो ये है होटल, जस्ट अभी ड्यूटी ख़त्म करी है और फिलहाल कहीं जा रहा हूँ, बताता हूँ। उससे पहले आपको एक व्यू दिखाता हूँ, मस्त वाला व्यू। दिख भी नहीं रहा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है दुबई आई, बीच के बीच में बना हुआ है और इधर को पूरा बीच है। फिलहाल अभी जस्ट ड्यूटी ख़त्म करी है और अभी हम जा रहे हैं कहीं पे, थोड़ी देर में बताता हूँ। गर्मी इतनी हो रही कि कुछ बोला नहीं जा रहा है, आँखें नहीं खुल रही है, स्पेक्स लाना भूल गया मैं भी। और मेरे साथ कौन है? प्रेम। प्रेम रतन धन पायो। गर्मी इतनी लग रही, देखो आँख नहीं खुल रही। तो फिलहाल अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से मेट्रो, तब जाके एसी की हवा मिलेगी। और यहाँ पे ये साइकिल्स वगैरह भी हैं, अगर आप साइकिल के शौकीन हैं पे करिए, कार्ड स्वाइप करिए और चलाइए, साइकिल के मजे लीजिए। प्रेम को इतनी गर्मी लग रही है कि वो वहाँ पहुँच चुका है छाया में चलने के लिए। वैसे आई लव गर्मी, बहुत कम लोग होते हैं जिनको गर्मी पसंद होती है, मुझे गर्मी पसंद नहीं है, बट ठंड से अच्छी है गर्मी मेरे लिए। हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो आप देख रहे हैं ना, जस्ट अभी ड्यूटी फिनिश करी है और दिन के बज रहे हैं एक सेकंड दो, तो आप लगा सकते हैं कि 2 बजे कितनी गर्मी होती है, 40+ डिग्री सेल्सियस हो रहा है। शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा ट्रैफिक है, गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं और आपको पता ही है माइक नहीं मेरे कैमरे में, तो थोड़ा आवाज़ आई। एंड वी आर गोइंग टू अलकोज, अलकोज यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे है। फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं नॉर्मली, जैसे कि हम जाते हैं मेट्रो तक, तो यहाँ से पैदल चल के जाना है, 10-15 मिनट लगेगा मेट्रो तक टमाक प्रॉपर्टीज़। तो वहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो और वहाँ से जाएंगे हम सीधा नूर बैंक, जो कि है 15 मिनट का रास्ता, और वहाँ से हमको पकड़नी है बस। तो फिलहाल हम फटाफट से चलते हैं, अभी गर्मी में व्लॉगिंग भी ज़्यादा हो नहीं रही है। और मैं आपको बता दूं गाइस, जैसे कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, थैंक यू सो मच। और ऐसे जुड़ते रहिए मेरी फैमिली से, और आगे जाके बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो मेरे साथ और प्रेम के साथ ऐसे जुड़ते रहिए। प्रेम कुछ बोलना चाहेगा? बस गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। ड्यूटी फिनिश करके आए हैं और ब्लॉगिंग चालू हो गई है, अब आप लगा सकते हैं, फटाफट से मिलते हैं, बाय। तो पहुँच गए हैं एसी में, नहीं नहीं नहीं, पहुँच गए हैं मेट्रो में, और मेट्रो टू ट्रेन। तो अभी हम धीरे बोलना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ गूंज रही है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अलकूज और अब थोड़ी राहत मिल रही है, एसी में आ चुके हैं। अभी फिलहाल हम आ गए हैं नूर बैंक स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन में, और अब हम जा रहे हैं अलकूज। सो यहाँ से कई बसें जाती है और उनमें से हमको जाना है F15 में। सो अलकूज अगर आपको जाना है, अगर आप यहाँ पर आए, तो यहाँ पर अलकूज में जाती है F15 और F17। सो हम पकड़ने वाले हैं F15, जो कि कम टाइम लगाती है। और यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ खाना पीना हो तो यहाँ से आप खा सकते हैं, और इस तरह से मिल जाएगा आपको हर मेट्रो स्टेशन पे। गर्मी में वेट कर रहे हैं और 2 मिनट में आने वाली है, इधर से काफी ज्यादा लोग खड़े हो रहे हैं यहाँ पर।
गर्मी कितनी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि एक अंडा डालूंगा ना यहाँ पर, अभी तो छाया आ गई, एक अंडा डालूंगा उबल के ऑमलेट बन जाएगा। हाँ सॉरी, अगर अंडा तोड़ूंगा ना अभी इतनी गर्मी में तो ऑमलेट नहीं बनेगा, बॉइल्ड हो जाएगा, बॉइल्ड सॉरी। अभी हम आए हैं अलकूज में और इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब कितनी बार बोलूं मैं कि कितनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, करना पड़ेगा ना यार आप लोगों को दिखाना जो है। तो अभी हम अलकूज में है और ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का है, यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू है और यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह है, सो ज़्यादा डेवलप नहीं है बट अभी डेवलप हो रहा है। और काफ़ी मैंने अभी देखा पीछे, अब पिछले साल मैं और तानी यहाँ पर भी आए थे रिगार्डिंग द जॉब, और पिछले साल तो यहाँ पर फ्लाईओवर वगैरह नहीं बने थे, फ्लाईओवर बन चुके हैं वो भी एक के ऊपर एक, तो डेवलप हो रहा है। और आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ की ये हालत है, मिट्टी पत्थर। सो यहाँ पे लोग भी नॉर्मल टाइप के मिडिल क्लास से नीचे वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, स्टैंडर्ड वाले भी रहते हैं बट ज़्यादातर जो यहाँ पर है लेबर्स वगैरह और काम करने वाले यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये जो एरिया है अलकूज, ये बहुत चीप एरिया है। और आपको मैं बता दूँ, पहली बार मैं अपने ब्लॉग में बता रहा हूँ, जिस तरह से इंटरनेशनल सिटी चीप है तो ये अलकूज जो है उससे भी चीप है। अगर आपको रूम वगैरह लेना है सस्ते में टिकाऊ में तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आपको फैमिली लानी है, आपको अपनी वाइफ को या किसी को भी अगर लाना है या स्टे करना है दुबई में घूमने के पर्पज़ से आना है तो यहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। कंपेयर टू इंटरनेशनल सिटी यहाँ पर आपको और ज़्यादा चीप रूम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये मिट्टी वगैरह पूरा, मतलब यहाँ चल के तो ऐसा लग रहा है जैसे हम यू नो इंडिया में चल रहे हैं। तो डेवलप हो रहा है फिलहाल, ये देखिए, तो इस तरह की कुछ हालत है यहाँ पर। और बस बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो फिलहाल कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पीते हैं, जूस वगैरह, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और लेबर वगैरह ज़्यादातर यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे शायद डेवलप नहीं हुआ होगा। बट अभी जो है काफ़ी डेवलप हो गया है और आगे जाके शायद और महंगा हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए तो चीप है। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी हम कहाँ पर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। सो अभी हम आ गए हैं अल मदीना और ये है हाइपर मार्केट, मतलब सुपर मार्केट जैसा। और यहाँ पे आपको एटीएम वगैरह और बाल बाल कटाने हैं, मेडिकल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर अल मदीना रेस्टोरेंट भी है, देख सकते हैं आप। तो अब चलते हैं बाल कटाने के लिए अंदर, थोड़ा छाया में फिर बात करते हैं। अभी हम अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी सेल लगी है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि दुबई है तो दुबई मतलब डेट्स, और काफ़ी सारे डेट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं और ऑफर में हैं। कितने तरह के डेट्स हैं? एक ब्लैक, दो ब्राउन, तीन चार, और ये गोल्ड भी है, पाँच छः, मुझे ये वाला पसंद है। इंडिया में भी ये खाते थे, इसको हम बोलते थे छुआरा। प्रेम क्या बोलते? छुआरा है, ये खाने का मजा ही कुछ और है। बच्चों में मम्मी दूध के साथ, दूध के साथ हो भी सही बात। ये देखो कितना बड़ा है, जंबो डेट। तो फिलहाल मैं शॉर्टकट पे इनके रेट बताता हूँ, जितने भी रेट बताऊंगा वो दराम में है और आप उसको 18 से इंटू करके इंडिया का रेट लगा सकते हैं। तो ये है 4.5 दराम का, ये देख लो, ये है 22, ये है 34, 37, कैमरा नॉट अलाउड। तो फिलहाल हाँ कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं, सब्जी वगैरह लेते हैं, थोड़ा राशन भी हमको लेना था और फटाफट से लेते हैं इससे पहले कि कोई और मना करे। फिलहाल ही मैं डेट्स का ले रहा था वीडियो और मना कर दिया कि कैमरा नॉट अलाउड। ज़्यादातर जगह में यही होता है, कहीं भी आप जाओगे ना, किसी भी शॉप में जाओगे तो प्राइवेसी होती है, अलाउ नहीं होता कैमरा। तो फिर भी मैं ले रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, कोई पकड़ लेगा तो डांट मारेगा फिर। A few inches later. और यहाँ पे प्रेम बाल कटाते हुए, प्रेम प्रेम का नंबर लगा हुआ है और इसके बाद मेरा नंबर है। यहाँ पर ही ब्लॉगिंग चालू,
सामान ले लिया, बहुत ज़्यादा सामान हो गया, इतनी गर्मी में इसको धोना पड़ेगा। और ये प्रेम की कलाकारी, कलर कर दिया पूरा। प्रेम कौन सा कलर है? दोनों तरफ से क्या खतरनाक शाइनिंग मार रहा है प्रेम, पूरा चमक रहा है एकदम, चम चम। यहाँ देखो, यहाँ देखो, प्रेम हीरो बनता हुआ यहाँ पर। चलो जी, बाल कट गए हैं और देख लो, धूप धूप धूप। सो इस महीने की हेयर स्टाइल ये है, और प्रेम की हेयर स्टाइल भी दिखा लेता हूँ मैं आपको। सर दिख नहीं रहा यार, चुप ही रहे, मुझे अपनी स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है, फ्रंट स्क्रीन है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कहाँ लग रहा हूँ, स्क्रीन में आ भी रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। और यहाँ से हम पकड़ने वाले हैं बस डायरेक्ट टू मेट्रो, तो मेट्रो के लिए यहाँ से पकड़ेंगे बस और देखते हैं कितनी देर में बस आती है। फिलहाल बहुत थक गए हैं, राशन ले लिया है, देखो दोनों हाथों में प्रेम के सामान और मेरे हाथ में भी। इधर पेड़ वगैरह भी नहीं है, पेड़ के नीचे खड़े हो गए, थोड़ा मैं बिल्डिंग आ रही तभी जाके थोड़ी छाया मिल रही है, छाया में जो राहत मिल रही है ना, पूछो मत। सो अभी बस का वेट कर रहे हैं और बस स्टॉप है, फिलहाल बस इधर से आने वाली है। दिन के बज रहे हैं 4 और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो गाइस, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन पे डाल दूंगा और यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल सिटी वाला ब्लॉग नहीं देखा तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स में जाइए और वहाँ चेक कर सकते हैं कि मैं पहले कहाँ पे रहता था और क्या क्या वहाँ पर व्यू था, किस तरह से मैं अपना टाइम स्पेंड करता था, सब कुछ दिया हुआ है वहाँ पर। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी, जो कि है NDNVLOG बिना स्पेस के, और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वैसे मुझे प्रेम के कलर, बालों के कलर देखे हंसी आ रही है, शाइनिंग कैसे मार रहे हैं देखो एकदम मैरून। परसों प्रेम का ऑफ था और प्रेम ने अपने बालों पे कलर कर दिया, देखो अजीबोगरीब प्रेम। प्रेम रतन धन पायो। अभी क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो पहले ही मेरे साथ हो चुका है, जब भी मैं किसी शॉप के अंदर ब्लॉग करता हूँ या कुछ मतलब शूट करता हूँ, वहाँ का जो मैनेजर होता है या जो भी मतलब वहाँ पे हेड होता है वो रोक लेता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, अगर कहीं पे आप ब्लॉग करें, किसी शॉप के अंदर ब्लॉग करें या कुछ भी अगर आप शूट कर रहे हैं तो आपको मना ही हो जाए, मना कर दिया जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि उनके अपने रेट होते हैं, ऑफर वगैरह चलते हैं, तो आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत, आपने देख लिया होगा डेट्स वगैरह का, जो भी सिनेमेटिक शॉट वगैरह वो सब मैंने ले लिया था। फिलहाल बस आ चुकी है और बैठते हैं बस में फटाफट से, उसके बाद मिलते हैं। प्रेम प्रेम प्रेम, जल्दी जल्दी जल्दी, हमारी बस है 5:30 और टाइम हो गया 5:15। यहाँ से हमको जाना है नीचे और वहाँ से लगेंगे हमको, आई डोंट नो, मतलब हमको 1 किलोमीटर चलना है। अब 15 मिनट में 1 किलोमीटर चलेंगे नहीं चलेंगे? प्रेम जल्दी जल्दी, प्रेम की हालत पता कैसी हो गई ऐसी बहुत दूर जाना है, फटाफट चलते हैं, फिर मिलता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मुझे अपना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मैं होटल के पास पहुंच चुका हूँ, सामने जो है बीच वगैरह है, काफी ज्यादा हवा आ रही थी इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि देख सकते हैं आप, मैं होटल के पास पहुंच चुका हूँ, ये मेरे पीछे होटल है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और सामने भी देख सकते हैं ये है दुबई आए और ये गोल सा देख रहे हैं जो, और ये सामने है बीच। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 5:30 की बस जा चुकी है और अभी बहुत सारा सामान है यहाँ पर मेरे साथ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो 5:30 की बस जा चुकी है और अब बस है 6:30 की, तो हम 6:30 में जाने वाले हैं, तो 6:30 में जाने वाले हैं तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम होटल के अंदर चलते हैं और अपना डिनर वगैरह करते हैं और उसके बाद चलते हैं रूम पे। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ, यहाँ का व्यू मैंने आपको दिखाया नहीं है बट मैंने व्लॉग बना दिया था यहाँ का। मैं आपको बता दूँ कि 2-3 व्लॉग पहले मैंने मैकबुक का व्लॉग बनाया था जिसमें मेरा मैकबुक का हार्ड डिस्क चला गया था, तो उस हार्ड डिस्क के अंदर मेरे 3-4 व्लॉग थे जो कि बन चुके थे, उनमें से एक व्लॉग था यहाँ का जो कि मैंने पूरा एडिट कर दिया था, बस अपलोड करना बाकी था। बट यही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और यहाँ का व्यू मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा बाद में, तो बस यही सब बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बस अभी अंदर चलता हूँ, 6:30 की बस है, हमारे पास 1 घंटा है, तो फटाफट से डिनर करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस, मैं और प्रेम पहुंच गए थे अपने रूम पर और बस ये व्लॉग जो है काफ़ी लेट में अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बाल उस समय कटे हुए थे बट अब बढ़ भी चुके हैं और
रोशनी नहीं आ रही है। सो मेरे काफ़ी बाल बढ़ भी चुके हैं, इतना लेट व्लॉग मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके लिए गाइज आई एम सो सॉरी। मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाया, बड़ी मुश्किल से अपना टाइम निकाल के मैंने व्लॉग किया है और अभी अपलोड करने वाला हूँ। सो एंडिंग कर रहा हूँ बस यहाँ पर। तो हमने बाल वगैरह कटा लिए थे, हम होटल चले गए थे, हमारी बस जैसे ही हम होटल पहुँचे थे उसी समय गई और हमारे सामने गई और बस छूट गई थी। तो हमारे पास थोड़ा टाइम था, एक घंटे बाद की बस थी, तो हमने अपना खाना वगैरह डिनर वगैरह होटल में किया और उसके बाद हम रूम पे आ गए थे। तो गाइज मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है उसकी वजह से मैं व्लॉग जो है थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ये वाला तुम्हें से। तो मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं और धीरे धीरे बताऊँगा। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूँ कि मैं जाने वाला हूँ इंडिया अपने चिकलू से मिलने के लिए, आई मीन अपने बेबी से मिलने के लिए। और अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैं इंडिया गया हूँ पहली बार अपने बेबी को देखने के लिए, तो यहाँ पर नहीं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा और आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइज अभी मेरा जो बेबी है उसका नाम मैंने चिकलू रखा है और चिकलू से शायद आपको पता होगा कि किसी और यूट्यूबर ने भी अपने बच्चे का नाम चिकलू रखा था, तो वहीं से मैंने एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लगा था और तब से मैं अपने बच्चे को चिकलू बोलने लग गया हूँ और वो काफ़ी फेमस हो चुका है। जब भी मैं उसको चिकलू बोलता हूँ तो मुझे ऐसे देखती है जैसे मतलब बहुत खुश हो जाती है। तो काफ़ी सारी बातें जो आपके साथ करनी है मुझे, फिलहाल के लिए तो फटाफट से इसको एंड करता हूँ। अभी मैं बता दूँ कि आपको इंडिया जाने वाला हूँ मैं 1 वीक के लिए और कुछ ही दिन में, एक दो हफ्ते में, तो वहाँ का ही मैं ब्लॉग बनाऊँगा। पहला इम्प्रेशन, पहला एक्सप्रेशन, पहला जो इम्पैक्ट होगा मेरे बच्चे से मिलने का, जो एक्सपीरियंस होगा पहली बार, उस समय तो बहुत छोटी थी, उस समय 1 महीने की थी और अभी मैं जा रहा हूँ तो वो 7-8 मंथ की होने वाली है, ऑलमोस्ट होने वाली है, तो अभी काफ़ी बड़ी हो गई है और मैं मिलाऊँगा आपको उससे भी, बहुत क्यूट है तो उसको भी मिलाएंगे। और काफ़ी सारे अपडेट गाइस और भी है, मुझे और बताना है बट मैं ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, वैसे ही 15-16 मिनट का व्लॉग हो चुका है, चाह रहा हूँ कि सिर्फ 8-10 मिनट के हों बट करते करते बोलते बोलते और दिखाते। तो गाइस अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जो कि है NDNVLOG बिना स्पेस के, और वहाँ पे मेरे अपडेट वगैरह आते रहते हैं, आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तानी से बात कर रहा हूँ ऐसे मैं आपको बता दूँ, और ये देखिए मेरे चिकलू से मिलिए। तानी हाय बोलो मेरे सब्सक्राइबर को। हाय। बस ये देखो 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 चिकलू, ए चिकलू, चिकलू रे चिकलू, ओ मेरा चिकलू। तो तानी से बात हो रही है और तो गाइस चलो मैं अपना व्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट डाउन बिलो, और बस ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिए। 1K सब्सक्राइबर हो गए वैसे, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।